welcome students we are starting our 10th chapter of evs in this picture there are six girls in yellow t-shirts they are of same team and a girl in green t-shirt she is player of the opposite team and they are playing kabaddi so in this chapter we will discuss about this game Hututu tu हू तू तू हूतू तू हू तो हू तूतू आउट आउट ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउट इट लाउडली हू तू तू हू तोू तू हू तू तू होल्ड फ्रॉम हेयर हू तो तू हू तू तू होल्ड फ्रॉम द लेग द लेग द लेग होल्ड हर लेग हू तो हू तू तू वसुधा यू कम हेयर यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर है मेक श्योर देट श्यामलाज हैंड डजेंट टच द लाइन होल्ड हर हैंड हु तो तू हू तू तू ओ शी हैज़ टचड शी हैज़ टचड इट आउट 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 ऑल आउट हो 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 योर टीम इज ऑल आउट हु तो तू कबड्डी को कई जगह पर हु के नाम से भी जानते हैं इसमें दो टीम्स जो हैं वो इस गेम को खेल रही हैं एंड श्यामला जो है वो अपोजिट टीम से आई है और वो दूसरी टीम को की गर्ल्स को टच करने की कोशिश कर रही है और वो कैसे आपस में खेल रहे हैं आउट आउट ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली होल्ड फ्रॉम हेयर एक कहती है कि इसको यहाँ से पकड़ो और नेक्स्ट कहती है उसको उसकी टांग से पकड़ो उसको उसकी लेग से पकड़ो एंड वसुधा वसुधा यू कम हेयर तो वसुधा तुम यहाँ आओ उसको तुम यहाँ से पकड़ो हे मेक श्योर दैट श्यामलाज हैंड डजेंट टच द लाइन तुम ध्यान रखो कि श्यामला जो अपोजिट टीम से जो लड़की आई है कि उसका नाम श्यामला है कि वो लाइन को टच ना करे उसका हाथ पकड़ो हु तू तू हु ओ शी हैज टचड शी हैज टचड इट ओ उसने तो टच कर लिया उसने टच कर लिया आउट सारे आउट हो गए योर टीम इज ऑल आउट तुम्हारी जो है वो सारी टीम आउट है इस तरह से वो लाइन को टच कर रही है श्यामला वट आर दीज गर्ल्स डूइंग दे आर शाउटिंग आउट 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 इट इज क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम ये गर्ल्स क्या कर रही हैं ये क्यों शाउट कर रही हैं आउट 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 इट मींस ये क्लियर है कि यह कोई गेम खेल रही है वट डू कॉल दिस गेम आप इस गेम को क्या बोलते हो चेडू गुडू हुट हा डू डू और कबड्डी और समथिंग एल्स आपके यहाँ पे इसको क्या कहते हैं ये पूछ रहे हैं वेन सिक्स गर्ल्स सराउंडेड श्यामला एंड कॉट हर एवरी वन था वॉज आउट सम बडी कॉट हर लैग्स एंड समी हर आर्म्स वाई वन गर्ल कॉट हर बाय द वेस्ट बट श्यामला वॉज द वन टू गिव अप शी ड्रैक्ट हर सेल्फ एंड मैनेज टू टच द लाइन इन देंटर सेंटर में दोनों टीम्स आ, आ, दो तरफ होती हैं बीच में एक लाइन होती है अगर जो लड़की अपोजिट टीम पर जाती है अगर वो जो प्लेयर होता है वो उस लाइन को टच कर लेता है सेंटर वाली लाइन को तो वो आ, जिस जिसको उसने टच किया होता है वो सारे आउट हो जाते हैं अपोजिट टीम से और जब सभी सिक्स गर्ल्स ने श्यामला को जो है वो चारों तरफ से घेर लिया और उसको पकड़ लिया एवरी मतलब सभी ने उसको टच कर लिया था और सभी को लगा कि ये आउट हो जाएगी लेकिन शी ड्रैक्ड हर सेल्फ मीन्स उसने अपने आप को वो घसीटते रही उस लाइन तक उसने अपने आप को घसीटा और उस लाइन को टच कर लिया किसी ने उसकी लेग पकड़ी किसी ने उसको बाजू से पकड़ा किसी ने उसको वेस्ट से पकड़ा और वो नीचे गिर गया लेकिन वो उसने अपने को ड्रैग किया मीन्स अपने घसीटते हुए अपने को उस लाइन तक सेंटर में जो लाइन होती है उस तक उसको अपने को लेगी और उस लाइन को टच कर लिया वेन श्यामला टच द लाइन ऑल द गर्ल्स ऑफ द अपोजिट टीम वर होल्डिंग हर और जब श्यामला ने उस लाइन को टच किया तो सभी अपोजिट टीम की जो गर्ल्स थी उसने उन्होंने उसको पकड़ा हुआ था सो ऑल ऑफ दैम गेट गॉट आउट तो सभी क्या हो गई जिस जिसने उसको टच किया हुआ था सभी गर्ल्स ने टच किया तो सभी जो पूरी टीम थी वो आउट हो गई थी बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन क्योंकि इसमें इस जो गेम में है जब कबड्डी कबड्डी हम बोलते हैं या हूतू तू बोलते हैं तो बीच में सांस नहीं लेते हैं तो इसलिए जो एक लड़की है आरा रोजी उसने ये आर्ग्यू किया कि श्यामला ने बीच में सांस ले ली थी सो द टीम वॉज नॉट आउट तो इसने कहा तो रोजो ने इंसिस्ट किया कि हम लोग आउट नहीं हैं बट श्यामला इंसिस्टेड दैट शी वॉज नॉट ट्रू बट श्यामला ने इंसिस्ट किया उसने जोर डाला कि ये चीज़ सही नहीं है शी सेट दैट इफ शी हैड टेकन अ ब्रेथ वाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर तो उसने कहा कि अगर मैंने सांस ली सांस ले ली थी तो आप लोगों ने सभी गर्ल्स ने मुझे पकड़ के क्यों रखा था देर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट ये एक uh, बड़ा आर्ग्यूमेंट उसने किया फाइनली श्यामला वन लास्ट में श्यामला जो है वो विनर थी मीन्स उसने उनको आउट किया था द गेम ऑफ कबड्डी सो दिस इज वॉट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक पुशिंग एंड पुलिंग स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड इट इज अ रफ गेम यट इट हैज मैनी रूल्स सो ये क्या है कबड्डी की गेम है इसमें जो प्लेयर्स होते हैं एक दूसरे को पुश करते हैं खींचते हैं धक्का देते हैं चिल्लाते हैं स्क्रीम करते हैं और घसीटते हैं एक दूसरे को नीचे गिर जाते हैं ये क्या है एक रफ गेम है इसमें चोट भी लग सकती है लेकिन इसमें बहुत सारे रूल्स भी हैं इट इज लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग एंड कॉन्टिन्यूसली सेंग कबड्डी कबड्डी एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम और इसमें एक फन भी होता है मीन बच्चे इसको yes, जो प्लेयर्स होते हैं वो इसको एन्जॉय करते हैं और इसमें बहुत सी एक्सरसाइज भी हो जाती है एंड अब हमें अपने सांस को रोकना पड़ता है और कॉन्टीन्यूसली हमें कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है जब हम ऑपोजिट टीम के आ, से खेलने के लिए जाते हैं और हम और जब हम जा, जाते हैं तो क्या करते हैं और हम आ, सभी प्लेयर्स को टच करने की कोशिश करते हैं अपोजिट टीम के और हमें वापस क्या है अपनी लाइन पे आना पड़ता है जो आ, सेंटर में होती है सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी सो यू कैन डू दिस एज एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ और आपको अपनी सांस इसमें रोकनी पड़ती है जब आप खेल रहे होते हैं यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम हमें इसमें अपने बॉडी और माइंड दोनों का यूज़ करना पड़ता है यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड मीन्स इसमें हमें अपने स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है दूसरे उनको जो प्लेयर्स होते हैं उनको रोकना पड़ता है और सेम टाइम में हमें किस तरह से अपने साइड में वापस जाना है वो भी हमें अपना इसको दिमाग से काम लेना पड़ता है यू हैव टू डिसाइड होम टू टच क्विकली एंड कम बैक इफ यू गेट कॉट देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन center? यू हैव टू डिसाइड whom टू टच क्विकली एंड कम बैक Means आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किसको आपको टच करना है Easily आप किसको टच करोगे और वापस को टच करके आ जाओगे और अगर आप किसी को पकड़ लेते हो दैन हाउ टू हाउ डू यू रीच दस मीन्स अगर uh, आपको किसी ने पकड़ लिया तो आपको ये देखना है आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि आपको किस तरह से uh, जो सेंटर की लाइन है उसको किस तरह से आपको टच करना है नेक्स्ट टाइम वैन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स एंड आईज यू विल नोटिस दैट गुड कॉर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आइज लेग्स एंड आर्म्स ये चीजें आपको नोटिस करनी पड़ती हैं कि आपको किस चीज़ पर ध्यान रखना पड़ता है अपनी लेग्स पे आर्म्स पे और आईज पे डू यू प्ले कबड्डी इज देयर गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्ले कबड्डी वैन देवर योर एज आंसद मैं आपको अपने ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड मदर से पूछना है कि क्या उन्होंने भी कभी कबड्डी खेली थी जब वो आपके एज की थी अट्टोरी ऑफ अ स्टोरी ऑफ थ्री सिस्टर्स यहाँ पे तीन सिस्टर्स की कहानी बताई हुई है लुक एट दिस फोटोग्राफ डोंट थिंक डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट क्या वो दादियों की तरह लग रही है लेडीज जो द, फोटोग्राफ में है बट दे आर डिफरेंट बट ये डिफरेंट है वो कैसे हम पढ़ते हैं द पिक्चर इज थ्री सिस्टर्स ज्वाला लीला एंड हीरा इन तीनों के नाम हैं ज्वाला लीला एंड हीरा देबई मुंबई में रहती है और थ्री ऑफ दैम प्लेड कबड्डी एंड टॉट द गेम टू अदर्स ये क्या है इन्होंने कबड्डी खेली है मीन्स ये कबड्डी की प्लेयर्स थी और ये दूसरों को भी इसको गेम को इन्होंने सिखाया है ज्वाला टेल्स वेन वी वर यंग यंग गर्ल्स वन नॉट अलाउ टू प्ले दिस गेम जब हम यंग थी हम जब छोटी बच्चे थे तो गर्ल्स को ये गे, गेम खेलना अलाउ नहीं था पीपल थाट दैट इफ गर्ल्स प्ले सच रफ गेम्स नो बडी वुड मैरिदम पीपल की क्या मतलब उनके थिंकिंग uh, थी वो सोचते थे कि अगर गर्ल्स इस तरह की रफ़ गेम्स खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा दे ऑल्सो सैड दैट गर्ल्स हैड टू वेयर बॉयज क्लोज टू प्ले कबड्डी दैट इज़ वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग और एक और सोच थी लोगों में कि अगर कबड्डी खेलनी हो तो बॉयज़ बौ वाले कपड़े डालने पड़ते हैं इसलिए भी लोग अवॉइड करते थे अपनी डॉटर्स को इस गेम में नहीं वो भेजना पसंद करते थे द सिस्टर्स वर यंग वैन देयर फादर डाइड जब uh, वो तीनों बहनें बहुत छोटी थीं तभी उनके फादर की डैथ हो चुकी थी देयर मदर एंड मामाज मेटरन अंकल मीन्स उनके जो मामा थे और मदर्स थी उन्होंने उनको ब्रॉड डैम उन्होंने उनको बड़ा किया मीन्स उनके पास वो रही बहुत अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो दोनों दो अंकल थे तो दोनों कबड्डी और खो खो खेलते थे दे एनकरेज द थ्री गर्ल्स टू प्ले कबड्डी और उन्होंने ही उन गर्ल्स को तीनों बहनों को एनकरेज किया कबड्डी खेलने के लिए ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस अपने एक्सपीरियंस बताती हैं दो बहनें ज्वाला और लीला ऑलमोस्ट फिफ्टी इयर्स अगो व्हेन वी स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू तो प्ले दिस गेम पेरेंट्स डिडन्ट लेट दैम प्ले द गेम बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट

लेकिन उन्होंने हमेशा ये फील किया कि उनके जो मामा थे और मदर थी उन्होंने उनको हमेशा एनकरेज किया था इस गेम को खेलने के लिए वी थ्री लर्न द गेम एंड अदर गर्ल्स मतलब उन्होंने जब ये गेम सीखी तो उन्होंने दूसरी गर्ल्स को भी ये चीज़ उनको भी इंटरेस्ट उसमें आया और वो भी उन्होंने भी दूसरी गर्ल्स ने भी उस, उनको ज्वाइन कर दिया एंड उन्होंने एक कबड्डी क्लब बनाया जो कि अभी भी एक्टिव है मीन्स अभी भी वो चल रहा है रिमेंबरिंग दोज डेज लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड वेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेज वो अभी भी बहुत ज़्यादा उत्सुक होती हैं बताने के लिए कि जब उनके मैचिज हो हुआ करते थे दे टेल हाउ दे वन सम मैच विच दे वर अबाउट टू लूज मीन्स वो जो मैच वो हारने वाली होती थी उनको भी उन्होंने किस तरह से जीता इस चीज़ को सुनाने के लिए वो बहुत एक्साइटेड रहती हैं दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग विल ये किस चीज़ से पॉसिबल हुआ उनकी जो स्ट्रॉन्ग विल थी ड्यूरिंग दोज मैचिज सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंड लेकिन उन मैच के ड्यूरिंग जो uh, जब वो मैचिज होते थे तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हुई उनके साथ वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच उनको दूसरे टाउन में एक बिग मैच खेलने के लिए जाना था लीला टेल्स लीला कहती है द मैच हैड टू स्टार्ट एट सिक्स थर्टी इन द इवनिंग मैच को सिक्स थर्टी इवनिंग में स्टार्ट होना था वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम थ्री टू सिक्स ओ क्लॉक मीन्स उनको सिक्स थर्टी पे किसी दूसरे टाउन मैच खेलने के लिए जाना था और वो तीन से छः वो मूवी देखने के लिए थिएटर में चले जाती हैं We thought we would be back in time for the match और वो कहती हैं कि हमें लगा कि हम वापिस टाइम से आ जाएंगे as soon as the movie started, we noticed some सम uh, noise and disturbance और जब हम मूवी uh, स्टार्ट हुई तो हमें हमने नोटिस किया कि कोई वहाँ पर शोर हो रहा है कोई डिस्टर्बेंस है um, it was created by our uh, mama तो हमारे मामा ने ये noise क्रिएट किया था Who was looking for us in the hall with a torch जो उस थिएटर uh, में आए थे सिनेमा हॉल में आए थे एक टॉर्च लेके वन वी वैन ही फाउंड आस ही गेव अ बिग स्कॉलिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल उन्होंने हमें जब हमने उन्होंने हमें देखा तो हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने सिनेमा हॉल के अंदर डांटा था द सिस्टर हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी बट डिड नाट रिड्यूस देयर फन मीन्स जो बहनें थी उन्होंने कबड्डी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ फेस की लेकिन उनका उन्होंने इसको एंजॉय करना नहीं छोड़ा हीरा द देंगे सिस्टर बिकेम अ कबड्डी कोच सबसे छोटी बहन हीरा कबड्डी की कोच बनी एंड शी विशेज दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड प्ले एंड एंजॉय मैनी गेम्स स्पेशली कबड्डी मीन्स जो सबसे छोटी सिस्टर जो कोच बनी वो ये चाहती हैं कि छोटे चोट छोटे बच्चे तुम्हारी तरह बच्चे जो हैं वो इस स्पेशली uh, कबड्डी को खेलें और इन्जॉय करें सो थैंक यू दिस वॉज अ चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर